दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपके लिए एक ऐसी जगह शूट करने आया हुआ हूँ जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा अच्छा पार्क है, जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं जिनकी आवाज़ें आपको भी सुनाई देती रहेंगी। क्योंकि मैंने सोचा, क्योंकि हम लोग इलाज करते हैं, बहुत सारे नुस्खे बताते हैं आपको, और वो देसी होते हैं, घरेलू इलाज होते हैं, और वो ऐसी ही जगह पर पार्कों में और खलिहानों में, जंगलों में उगते हैं पौधे वो, और उन्हीं से जो है दवाइयां बनती हैं। तो मैं ये नेचुरल जगह पर शूट करना चाहता था, इसीलिए मैं अपनी क्लिनिक से बाहर आकर ये शूट कर रहा हूँ, और जिससे कि आपको लगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें बच्चों की सुनाई देंगी आपको। तो मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर आज ये बनाई है वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, ये दिक्कत भी ऐसी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां, जो कि रात को ही ज़्यादा परेशान होता है मरीज़, जिसमें पेट में दर्द होता है उसके, और उसके साथ साथ उसके पेशाब में जलन आती है, जलन कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि उसके पेनिस को पकड़ना पड़ जाता है उसे, और उसके साथ उसे उल्टियां भी हो सकती हैं, पेट दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो तड़फता रहता है मछली की तरह, और इन सब चीज़ों से होने वाले नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको किडनी स्टोन के बारे में, क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है किडनी स्टोन का। किडनी में छोटे छोटे जो पत्थर हो जाते हैं स्टोन की शक्ल में, छोटे 1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm, और ज़्यादा ज़्यादा 20 mm तक भी पत्थर देखे गए हैं जो कि किडनी में बन जाते हैं। किडनी है, किडनी के साथ साथ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और इसमें जो है पेशाब करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से वो पेशाब नहीं कर पाता मरीज़, और उसके साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये रात को ही होता है ज़्यादातर जो दर्द होता है इसका, किडनी स्टोन्स का, वो रात को ही होता है। रात में कोई डॉक्टर भी नहीं मिल पाता, किसी तरह की मदद नहीं होती, इसीलिए मरीज़ को एडमिट तक का करना पड़ जाता है। एडमिट करने पर उसको बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो मैं आपको एक ऐसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ और ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह खाने से, कैप्सूल फॉर्म में होती है वो, जिसके खाने से जो है ये किडनी स्टोन जो है निकल जाती है बाहर, चाहे वो 1 mm हो, 6 mm हो, वो किडनी स्टोन से बाहर निकल जाएगी 100%। ये तकरीबन 3-4 हफ्ते में बाहर निकल जाती है। अगर हम इसे खाएंगे तो बिल्कुल फ़ायदा होगा आपको, आपके मरीज़ को। अगर किसी भी मरीज़ को ये किडनी स्टोन हो गई है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इससे आपकी जो किडनी स्टोन है वो बाहर ज़रूर निकल आएगी, और आपका मरीज़ जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ, लिथ स्टोन के नाम से ये दवाई आती है और हर जगह मिल जाती है ये लिथ स्टोन। ये इस तरह की पैकिंग में आती है, कैप्सूल फॉर्म में होती है ये। सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाना है, और पानी ज़्यादा पीना है, और इसके साथ साथ अगर पानी ज़्यादा पियेंगे तो जल्दी से जल्दी ये निकल जाएगी बाहर को, बाहर निकल जाएगी, आपको आराम मिलेगा। और कुछ परहेज़ भी हैं इसके साथ साथ, परहेज़ जो है आपको सबसे बड़ा तो आपको जो है कैल्शियम की कोई भी गोलियां नहीं खानी है, किसी भी तरह की कैल्शियम की गोलियां या पत्तेदार जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, उन चीज़ों को खाने से परहेज़ करें। पानी खूब पिएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, आपकी कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।